बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टाइम्स कॉलेज एट के 245 एमसीक्यूज वाले पेपर के एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले तीन लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं जिसमें हम 150 एमसीक्यूज कर चुके हैं। 50 एमसीक्यूज पर लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है बेटे? तो 150 एमसीक्यूज हम सॉल्व कर चुके हैं, 151 से बात शुरू करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शुरुआत करते हैं। चैप्टर 4 के एमसीक्यूज थे जो लास्ट क्लास में हमारे स्टार्ट हुए थे, आज भी वाले से बात का अपनी आगाज करेंगे। सबसे पहला जो एमसीक्यू आपके सामने है 151 पे, इसमें लिखा हुआ है इन इथीन मॉलिक्यूल देयर आर, इथीन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो इथीन का मॉलिक्यूल अगर मैं आपके सामने पहले बना दूं और फिर आपको सही से उसको एक्सप्लेन कर दूं तो अच्छा रहेगा। सी डबल बॉन्ड सी एच 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 और H, C2H4 होता है इथीन ना। अब सवाल है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। याद रखिएगा, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा, इन डबल बॉन्ड वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, इन ट्रिपल बॉन्ड वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो उसमें चार सिंगल बॉन्ड है तो चार सिग्मा हो गए, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है तो पांच सिग्मा हो गए, और एक इसमें पाई बॉन्ड है, देयर आर फाइव सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड। When the electrons are present in high energy orbital, it is dash state, excited state. Which of the following compound has sp2 hybridization? Ethene, C2H4. Which of the following molecule have dipole moment? CCl4 symmetrical है, नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है, डायपोल मोमेंट नहीं होती। याद रख लें, अगर वाटर दिया हुआ है और पूछा हुआ है डायपोल मोमेंट है कि नहीं है, तो वाटर में डायपोल मोमेंट होती है। When carbon is attached with four atoms, hybridization कौन सी होगी? sp3। कार्बन अगर चार एटम से अटैच है तो sp3 hybridization। When carbon is attached with three atoms, it is sp2 hybridized. The shape of ammonia is pyramidal. Ammonia की शेप ट्राइगोनल pyramidal होती है। आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा रिमूव करेंगे 158 की तरफ। ओके, When carbon is attached with टू एटम्स, इट इज डैश हाइब्रिडाइज। कार्बन अगर दो एटम से अटैच है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। इन मिथेन मॉलिक्यूल देयर आर मिथेन, क्योंकि कार्बन के साथ चार बॉन्ड बनाया हुआ सिंगल हाइड्रोजन, तो चार सिग्मा बॉन्ड, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है जी। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एन आ जाए ना नाम में, तो समझ जाना उसमें सबके सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, उसके अंदर कोई पाई बॉन्ड मौजूद नहीं होता एन अगर आया हुआ, ठीक है जी। क्या आया हुआ बेटा? एन, ANEN। अगला है विच हैज ग्रेटेस्ट आयनिक करेक्टर, HCl, HF, HBr, HI। तो फ्लोरीन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए इसमें आयनिक करेक्टर भी सबसे ज्यादा है। इन NH3 नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन C2H2 मॉलिक्यूल इज, C2H2 की शक्ल ऐसी होती है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक एच और दूसरा एच। अब इसके अंदर टोटल तीन सिग्मा बॉन्ड्स हैं और दो क्या है? पाई बॉन्ड्स, ठीक है जी। दो सिंगल बॉन्ड्स है तो वो तो है ही सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा है, तो देयर आर थ्री सिग्मा बॉन्ड्स एंड टू पाई बॉन्ड। इन H2O ऑक्सीजन इज, H2O में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। इन बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। इन BF3 बोरॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इन वाटर मॉलिक्यूल देयर आर टू बॉन्ड पेयर एंड जीरो लोन पेयर, नहीं, टू बॉन्ड पेयर होते हैं और टू लोन पेयर होते हैं। VSEPRT या EPRT के मुताबिक जब देखेंगे तो इसमें दो बॉन्ड पेयर होते हैं और दो ही लोन पेयर होते हैं। इन अमोनिया देयर आर थ्री बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर, अमोनिया में तीन बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है, ठीक है बेटे। 167 तक हमारी बात हो गई है, आगे बढ़ेंगे, इसको सबको रिमूव करते हैं। हम कहाँ थे? वाटर और अमोनिया के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात हुई थी 168 तक, अच्छा सॉरी 167 तक हुई थी। दिस मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, देखिए बॉन्ड एंगल जो है ना वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, जो लीनियर होता है उसकी बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड एंगल 180 होता है। द शेप ऑफ BF3 इज, BF3 की शेप कैसी होती है?
तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की शेप ट्राइगोनल होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शेप ट्राइगोनल, द शेप ऑफ वाटर इज एंगुलर, वाटर की शेप एंगुलर होती है, लोन पेयर्स की वजह से इसमें रिपल्जन बढ़ जाती है, डैश हैज मैक्सिमम रिपल्जन, लोन पेयर्स की रिपल्जन सबसे ज्यादा, दो लोन पेयर आपस में सबसे ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, डैश बॉन्ड्स आर नॉट कंसीडर एज एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फाई बॉन्ड्स, इनको एक्टिव सेट कंसीडर नहीं करते, इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो एच के एटम्स है उनके अंदर कौन सा ओवरलैप होगा, SS, हाइड्रोजन के पास होके S ऑर्बिटल होता है, इन HF मॉलिक्यूल ओवरलैप अकर्स, एक S होगा क्योंकि हाइड्रोजन है और फ्लोरीन का P होगा तो SP ओवरलैप होगा, इट इज फॉर्मड बाय द हेड टू हेड ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, इट इज फॉर्मड बाय द पैरेलल और लैटरल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड बनता है, व्हिच ओवरलैप इज स्ट्रॉन्ग, सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैप होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, डैश रिस्ट्रिक्ट द रोटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, रोटेशन ऑफ एटम्स इज रिस्ट्रिक्टेड बाय, रोटेशन ऑफ एटम इज रिस्ट्रिक्टेड बाय, कौन रिस्ट्रिक्ट करता है जी, इसमें आपके पास ऑप्शन है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो याद रखिएगा जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये रोटेशन को क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो याद रखें अगर कहीं पर भी पाई बॉन्ड है रोटेशन पॉसिबल वहां पे नहीं होती, यानी कि अल्केन्स और अल्काइन्स की बात हो रही है, ठीक है बेटा, 178 के बाद आगे बढ़ेंगे, डैश इज द क्लाउड ऑफ चार्ज दैट सराउंड ओनली वन न्यूक्लियस, एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही एटम के गिर्द होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल, क्लाउड ऑफ चार्ज, ठीक है जी, डैश इज द क्लाउड ऑफ चार्ज दैट सराउंड मोर देन वन न्यूक्लियर, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है क्योंकि मॉलिक्यूल दो एटम्स के दरमियान बनता है या एक से ज्यादा के दरमियान बनता है, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद डैश एनर्जी देन either of atomic orbital from which it is derived is called bonding molecular orbital, low energy, bonding molecular orbital ki energy hamesha atomic orbitals jinse wo banta hai kam hoti hai, a molecular orbital with dash energy and zero or low electron density is called anti bonding molecular orbital, high energy, jiski energy zyada hoti hai wo anti bonding hota hai, valence bond theory assume that shared pair occupies the dash orbital of the bonded atoms, atomic orbital, डिफरेंस है वीबीटी और एमओटी का, वीबीटी कहती है कि जो शेयर्ड पेयर होता है ना वो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि एमओटी कहती है कि जो शेयर्ड पेयर होता है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है, ठीक है बेटे, 184 के बाद इसको मिटाते हैं आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर 4 के ज्यादातर एमसीक्यूज हैं और 3 के, इसमें ये चैप्टर्स जो है इनकी थ्योरी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतना टाइम यहाँ पर है नहीं कि मैं इसके आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है बेटे, This is not a primary bond. ये जो है primary bond नहीं है, hydrogen bond. मैंने आपको ये बात कल के lecture में भी बताई थी किसी MCQs के दौरान. Hydrogen bond जो है वो primary bond नहीं है. That is dash is also called as protonic bridge. Again hydrogen bond. इसी को protonic bridge कहते हैं. It is represented by dotted line. Again hydrogen bond. Dash bond break first. सबसे पहले कौन सा bond टूटेगा इनमें? Ionic covalent hydrogen metallic hydrogen क्योंकि सबसे weak bond है. When hydrogen is bonded with highly electronegative atoms such as nitrogen, oxygen, fluorine, etc., the intramolecular attraction are known as dash bond, hydrogen bond. सारी hydrogen bonding की इन्होंने MCQs यहाँ पे डाले हुए हैं. Ice floats on the surface of water. Ice floats on water surface because ice is less dense. जो चीज less dense होती है वो float करती है और जो चीज ज़्यादा dense होती है वो अंदर डूब जाती है, sink हो जाती है. Water has the maximum density of 1 gram per liter, milliliter at 4 degrees centigrade. वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर. द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन H2O. वाटर हैज डैश बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ HF ऑल्दो F इज मोर इलेक्ट्रोनिक हाई. क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स की तादाद स्ट्रांग होती है इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. डायपोल मोमेंट इज अ डैश क्वांटिटी. ये थोड़ा सा डिफरेंट MCQ है. वेक्टर क्वांटिटी होती है डायपोल मोमेंट क्योंकि इसमें चार्ज की एक बकायदा डायरेक्शन होती है और जहां पे डायरेक्शन आ जाए I think वो physics वाले बेहतर जानते हैं. ये factor quantity हमारी physics बड़ी कमजोर है. ठीक है जी. Okay. सबको मिटाते हैं. अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं.
अच्छा जी, द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट टुवर्ड्स डैश पोल किस पोल की तरफ होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, तो टुवर्ड्स पॉजिटिव होता है. 1 डी बाय इज डैश एएसयू पर सेंटीमीटर 3.335 एक्सपोनेंशियल माइनस 30. ठीक है जी. अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ये यूनिट जो उन्होंने दिया हुआ है कूलम मीटर 3.335 होता है. ESU into centimeter, इसको 196 का आंसर जो है ना ये कूलम मीटर के बराबर होता है. 3.335 एक्सपोनेंशियल माइनस 30 जो है ना ESU पर सेंटीमीटर में आई थिंक ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है. एग्जैक्टली मेरे जहन में नहीं है कि 1 डी बाय जो है वो कितने कूलम मीटर के बराबर होता है, ये तो याद है मुझे, लेकिन ये कितने ESU यही दिया हुआ है ना यहाँ पे. जी n की पावर माइनस 18 ESU. सॉरी ये वाला आंसर नहीं है इसका. अच्छा वो ये इन दी एंड मैंने देख लिया, ये कूलम मीटर में तो उसके बराबर होता है जो ऐसा यूनिट है, लेकिन ESU सेंटीमीटर की जब बात करेंगे तो बेटे फिर इसका आंसर 10 की पावर माइनस 18. दिस इज नॉट द आंसर, इसको हम मिटा देते हैं ताकि आप कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए. गलत आंसर कोशिश करते हैं कि ज्यादातर उसको देख लें अच्छे से बता दें. ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका आंसर है. ओके, द डायपोल मोमेंट ऑफ CCl4 इज जीरो ड्यू टू द सिमेट्री. सिमेट्रिकल होता है तो जीरो होती है डायपोल मोमेंट. द डायपोल मोमेंट ऑफ SO2 इज, इसके पास डायपोल मोमेंट होती है तो ग्रेटर देन जीरो होता है. डैश हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी N2 क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है. नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज किलो जूल पर मोल. ठीक है जनाब, सो दिस इज इट. 50 MCQ मजीद हो गए, 200 अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि दोनों एक साथ ही डाल दूं और आपको ये दोनों एक वीडियोस एक साथ मिल जाए ताकि आपके पास आज है सारी MCQs जल्द से. ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखें, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.